लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट, तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुमरा के MM अली रोड पर और आपको बता दें कि आज सुबह करीब 8:30 बजे एक यहां पर कार एक्सीडेंट हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर एक काफ़ी भयानक कार एक्सीडेंट हुआ है। जो बताया जा रहा है कि जो ये कार चला रहा था वो काफ़ी तेज़ रफ्तार में यहाँ पर इस रोड पर कार चला रहा था। बताया जा रहा है कि 2 से 3 बार इस रोड पर इस युवक ने जो है यहाँ पर कार दौड़ाई और जिसके बाद अचानक इसके सामने एक स्कूटी सवार आ गया और उसे बचाने के चक्कर में जो है ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर था इसमें, जिसका नाम दिलशाद लाला चांद नगर का रहने वाला है, वो इसमें था और वो घायल हो गया, जिसे बिलाल हॉस्पिटल में लेके जाया गया। आपको बता दें कि दरअसल ये हादसा हुआ कैसे है वो आपको बता दें कि ये कार जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो MMLE का TMC हॉस्पिटल है उस तरफ से ये कार आ रही थी और अचानक यहीं पर जो है एक स्कूटी सवार उसके सामने आ गया, जिसके बाद कार का संतुलन बिगड़ा और देखेंगे आप यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का काम चालू है यहाँ से ये कार तोड़ते हुए और जो ये पतरा लगा हुआ है ये पतरा तोड़ते हुए और पलटी होकर यहाँ पर कार खड़ी हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस कार का जो है हालत हो चुका है, काफ़ी ख़राब कंडीशन में है हो चुकी है कार। बताया जा रहा है कि हादसा होने के बाद इस कार में आग भी लग गया था और जो ड्राइवर है वो इस गाड़ी में जो है यहाँ पर बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था और जो स्थानीय लोग यहाँ पर सुबह जो जॉगिंग करने के लिए लोग आते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों ने उस ड्राइवर को निकाला और उसे हॉस्पिटल भेजा गया। आप देख सकते हैं एकदम नई कार ये है और हादसा होने की वजह से क्या हालात हो गई है इस कार की, और उस वक्त हादसे के वक्त जो यहाँ पर लोग मौजूद थे हम उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल मलिक। अच्छा, सुबह जब ये हादसा हुआ दरअसल पूरी डिटेल बताइए कैसे हुआ है? ये हुआ वो पहला 2-3 राउंड मारा तो मेरा आदमी था साइड पे, तो मैं आया उसका बाद में मैं बैठा था तो मेरा आदमी चले गया तो मैं आया भाग के और उसका खाली टायर का आवाज़ सुन के मैं बाहर आया। बाहर मैं गेट पे आते आते गाड़ी आया चढ़ाया दिया, वो एक बाइक वाला था एक्टिवा वाला, उसको बचाने गया तो काट मारा तो बैलेंस संभाल नहीं पाया सीधा ऊपर चढ़ाया दिया। यानी काफ़ी तेज़ रफ्तार थी, 100 का ऊपर ही है नीचे नहीं है, ये बैरिकेड तोड़ के मेरा बैरिकेड तोड़ दिया बोले तो 100-120 का स्पीड में था। अच्छा, आग भी लग गई थी कार, नीचे आग लगा तो हम लोग बोतल का पानी से, इधर पानी है ना म्युनिसिपैलिटी का, वो पानी बोतल से बुझाया उसको। अच्छा, सुबह यहाँ लोग जॉगिंग के लिए आते हैं और ये सुबह कार यहाँ पर दौड़ा रहा था, बताया जा रहा है 3 से 4 बार ये कार लेकर यहाँ पर दौड़ा है। 3 से 4 बार वो राउंड मारा था और लास्ट में 8:30 बजे यह हुआ। यहाँ पे जो सुबह जॉगिंग करने वाले आते हैं सब यहाँ पे बैठा रहते हैं, लेडीज लोग, जेंट्स लोग, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे लोग हैं, यहाँ पे सुबह से मतलब जो 6:30 से 8:30 तक का टाइम रहता है यहाँ पे जॉगिंग का टाइम रहता है। अब लोग यहाँ पे खाली रोड होने की वजह से यहाँ लोग आते जॉगिंग करते हैं और ऐसे में ये गाड़ी कुछ 8 बजे से 3-4 राउंड लगातार स्पीड में दौड़ाती, एक दो जन ने मना भी किया उसको लेकिन वो नहीं माना। उसके बाद में वहाँ से स्पीड में आते वक्त अभी जैसे ये भाई बता रहे मैं तो पीछे था वो साइड में, लेकिन जिस तरीके से वो आया बाइक वाला उसके सामने आया वैसे ये स्पीड में काफ़ी था, मेरे ख्याल से 100-120 की स्पीड में होगा, उसने उसको कट मारते उसके गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ और वो गाड़ी सीधा रोड के ये साइड आके पलटी मार के 2 पलटी मार के यहाँ पे आके खड़ी हो गई। अच्छा, जो उसमें ड्राइवर था वो घायल हुआ है? वो हाँ वो घायल हुआ है, उसको बिलाल हॉस्पिटल लेके गए। तो आपने सुना कि जो चश्मदीद है उनका कहना है करीब 3 से 4 बार जो इस कार का ड्राइवर वो इस कार को लेकर यहाँ पर जो है राउंड लगाया और आखिरकार फिर ये हादसे का शिकार हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि जो एक्टिवा चालक था वो बच गया। लेकिन और आपको बता दें कि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जॉगिंग के लिए आते हैं और इस तरह से जो बाइक वाले हैं और जो कार चालक हैं इस तरह से काफ़ी रफ्तार में यहाँ पर
जो है बाइक और कार चलाते हैं। ये कोई यहाँ पर पहला हादसा ऐसा नहीं हुआ है। इसी तरह से TMC हॉस्पिटल के सामने भी काफ़ी तेज़ रफ्तार होने की वजह से एक हादसा और हुआ था जिसमें 2 युवक घायल हुए थे। और ये दूसरा हादसा अब पेश आया है जो काफ़ी तेज़ रफ्तार की वजह से भी ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जो दिलशाद लाला नाम का ड्राइवर था वो घायल है, उसे बिलाल हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके जाया गया है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो ये रोड बनाया जा रहा है इस पर जिस तरह से काफ़ी रफ्तार में बाइक और कार चलाया जा रहा है, इस वजह से काफ़ी भयानक हादसा इस रोड पर हो सकता है। आपको बता दें कि इसी तरह से तस्वीरें आपको हमने पहले भी दिखाई थी, जो पहले हादसा हुआ था और आज जो हादसा सुबह के वक्त में हुआ है इसको भी हमने आपके सामने दिखाया कि किस तरह से काफ़ी तेज़ रफ्तार होने की वजह से यहां पर हादसे हो रहे हैं। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, उमरा।